क्योंकि तुसी इन्ने फनी हो नहीं जिन्ने तुसी बन रहे हो। अच्छा वैसे दसो ना इहदे विच है की? वैसे लोग की ना गिफ्ट खोल के चेक कर लेंदे ने, उहदे विच की है। एवें गल्लां इस टाइम नहीं वेस्ट कर दे। चलो ठीक है मैं ओपन करके देखदी हां किहदे विच की है। सरजीत वैसे तुसी ना बहुत चंगे हो। पहला तुसी मैनू बर्थडे दी सरप्राइज पार्टी दित्ती, फिर हुण तुसी मेरे लिए गिफ्ट लेके आ गए। सच्ची तुसी ना मेरे इस बर्थडे नू होर स्पेशल बना दिता है। सरजीत तुसी मेरे लिए ये कड़ी लेके आए हो? हाँ दिया, क्योंकि हुन तू डिसाइड जो कर लेता है। बैडमिंटन प्रैक्टिस दे नाल नाल तू चंगी नू बनन दी प्रैक्टिस भी ते करनी है ना, इसलिए तेनू टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा ना। ऐसी लई अलार्म क्लॉक ना तेरा टाइम मैनेज करने च तेरी हेल्प करेगी। सर जी बिना मैनू तंग करन दा कोई मौका नहीं छड़दे। इन्ना सस्पेंस क्रिएट करके दित्ता की अलार्म क्लॉक। हैप्पी बर्थडे दिया, आई होप तेनू ये गिफ्ट पसंद आया होगा। हुन तू सो जा। अच्छा हाँ ते हुन अलार्म लगाना ना भुली। अलार्म क्लॉक भी कोई अपनी वाइफ में गिफ्ट देता है? सर जी भी ना अजीब ही ने। सोच दिया मैं तो इस कड़ी की जगह ते ना तेरा लाऊं बच जाना। मैनू लगता है ये समझा इस दिया का ही काम है। नहीं नहीं ऐडा तो अपना ही रंग उड्डिया होया लग रहा है। फिर ये गेम प्लानिंग किदा करूगी? जे लॉकर विच नेकलेस एने नहीं रखिया तो फिर रखिया किने है? दिया किदा हो सकता है? जेड़ी चीज गायब सी वो अचानक अपने आप इतने किदा पहुंच सकती है? मम्मी जी मैनू सच्चे इस बारे कोई आइडिया नहीं है। मैं तो इस नेकलेस नू पहली बार देख रही हूँ। फिर तुसी आप ही दसो मैनू किदा पता होएगा कि नेकलेस कित्थे सी ते हुण इत्थे किदा आया? चाबियां ते तेरे कोल सी ना, फिर तेनू पता होना चाहिए ना कि ये सब किदा हो गया। मॉम प्लीज I don't think so, सानू दिया नू बेमतलब ब्लेम करना चाहिए है। हो सकता है समायरा भाभी ने प्रॉपरली चेक ना किता होए। उपरों तुसी दिया दी मॉम नू भी अननेसेसरी मैटर च इन्वॉल्व कर लिता। नहीं अरज ब्रो, मैं लॉकर चंगी तरह चेक किता सी, मैं सच कह रही है। ये नेकलेस लॉकर विच कल नहीं सी। समायरा भाभी असी ह्यूमन बीइंग, इसलिए इदां दी गलती किसी तो भी हो सकती है। आई थिंक सानू इस मैटर नू इत्थे ही क्लोज करना चाहिए। सॉरी मॉम, सॉरी समायरा, मैं जानता हाँ कि मैं झूठ बोले, पर जे मैं ना बोलता तो दिया ते दिया दी मॉम दोनों बेवजह बदनाम हो जाने सी। लो तुहाडी अमानत, मैं नहीं जानती कि मेरे बैग च किदा आया। चल दिया लेट्स गो। एक मिनट सर जी। मम्मी जी हुण जे नेकलेस मिली गया तो मैं तुहाडे दित्ते चैलेंज दा दूजा स्टेप जित गई ना? क्योंकि तुसी कहा सी कि नेकलेस गुमण करके मैं तुहाडे दित्ते जिम्मेवारी नूं चंगी तरह नहीं निभा सकी, इसलिए नेकलेस मिलन नाल तां इह साबित हो गया ना कि मैं इस चैलेंज का दूसरा स्टेप पास कर लिया है। मैंने समझ नहीं आ रही इरा, आखिर वो नेकलेस क्या किथे सी? कल तक तो लॉकर विच नहीं सी। इनफैक्ट मैं तो सारा सामान कट के लॉकर चेक किया सी, उदो तो नहीं सी उथे।
फिर मेरे तो इतनी बड़ी गलती किवें हो सकती है? कुछ तो अजीब होया है। मेनू भी समझ नहीं आ रही सुमायरा भाभी कि नेकलेस उत्थे पहुंचा किदा। जिथों तक मेनू पता है नेकलेस उत्थे नहीं, नेकलेस तो किते होर पर मेनू तो सब तो ज्यादा गुस्सा ना अरश ब्रो ते आ रहा। तू देखा सी कि वे सारा सामने मेनू गलत साबित करन लगे हुए सी। मेनू समझ नहीं आंदी अपनी वाइफ नू सपोर्ट करने लिए वो सारे सामने मिन्नू की मैं ब्लेम आउट कर सकते ने कि मैं ही चंगी तरह लॉकर चेक नहीं किता होना। हुण की करिए समायरा भाभी, साडे हसबैंड है ही इदां दे। अरज ब्रो वर्गे सपोर्टिव हसबैंड सारियां नू तां नहीं ना मिलदे। तू देखिया ना ईरा किवें दी आ खर्चे बचाने वाली गल नू करके मम्मी तेरे सामने किन्नी महान बन रही सी। वैसे देखिया जावे ना जिवें दा उस कुड़ी दा खाना पीना है, जिवें दा उस कुड़ी दा रहन सहन है, वो अद्धा ते की वो पूरा खर्चा बचा सकती है ते अपने नाल नाल ना सानू भी भुखिया मार सकती है। आज तक इस घर विच सारा कुछ मैं इन्नी परफेक्ट तरीके नाल मैनेज करती आ रही हूँ। इनफैक्ट उन्हें मैं ही दसदी आ रही हूँ कि केड़ी चीज़ कित्थे पई हुई है ते केड़ी चीज़ किवें मैनेज हुंदी है। पर जदों क्रेडिट लैण दी वारी आई तो ऐदा एक्ट करन लग गई जिदा सारा कुछ उन्हें आप सीखिया। वो तो है समारा भाभी, तुहानू पता है जदों दिया ये सब कुछ कह रही सी ना ते मम्मी जी दे नाल खड़ी ना मैं एकदम बेवकूफ लग रही सी। पहले तो मम्मी जी ने यह सोचा होना कि मैं नेकलेस चंगी तरह लॉकर विच ना चेक ही नहीं किया होना। फिर मम्मी जी ने यह भी लग्या होना कि दिया ने तो समायरा नालों भी घट खर्चे विच सारा कुछ इन्नी इफेक्टिवली मैनेज कर लिया। चाहे मम्मी जी ने सारिया गल्ला मैनू मुँह ते तो नहीं कही पर उन्होंने कहने का मतलब तो यही सी ना। Come in. Yes, Kyan, तुसे अंदर आ सकते हो। चंपताई जी, मैं बहुत खुश था। अच्छा, तो क्यान दे खुश होने का रीजन की है? चंपताई जी, मम्मा ने क्योंकि मेनू किया कि हर रोज तुसी मेनू वक्कर आया करोगे, क्योंकि पता चंपताई जी मेनू मम्मा तो पढ़ना बिल्कुल चंगा नहीं लगता, वो सारा टाइम क्यान नू डांटते रहते ने। क्यान, मम्मा भाई ऐसा गल नहीं करते, वो जो भी करते ने तुहाडे पले लई करते ने। ओके, इवन सारिया मदर्स ना ऐसा ही होंदिया ने, वो अपने बच्चे नू बेस्ट बनाने लई ऐसा ही करदिया ने। तुहाडे मम्मा ऐसा दे होंगे, मेरे मम्मा तो बिल्कुल नहीं ने। नो क्यान, इट्स रियली बैड। जे तुहाडी मम्मा स्ट्रिक्ट ने इहदा मतलब ये नहीं कि तुसी उहनां दे बारे ऐदां बोलोगे। छड्डो ना चंपताई जी, मैं तो बहुत खुश हां कि क्यान तुहाडे नाल होर टाइम स्पेंड करेगा। असीं नाल होमवर्क करांगे, नाल गेम्स भी खेडांगे ते नाल तुसी मैनूं आइसक्रीम खान दोगे ना? बिल्कुल। क्यान, तेरी चंपताई जी नूं होर भी कम ने, पर वैसे वो तो खुद ही बच्ची है, तो अपनी ताई जी तो ज्यादा होप्स ना रख। नहीं सर जी, ऐसा भी कोई गल नहीं है, इतनी हाइट है मेरी, व्याह हो गया मेरा, मैं तुम्हें हूं भी बच्ची नजर आनी हूं। ओ रियली, मैं सब जानता, तू कितनी क्यों समझदार है। ओहो, सारे मेनू कहते हैं कि मैं किद्दा, पर तुहानू दोनों नु लड़दे होए वेख मेनू लग रहा है तुसी दोनों किद्दो। ज्ञान, यह तो अजे शुरुआत है, तू अगे अगे देख, तेरी ताजी तेनू होर भी कंडीश लगेगी। ज्ञान, तेनू ते तेरी चैन ताई जी दोनों नू मेरी तरफों बेस्ट ऑफ लक, देख दे कौन किदा किन्ना ख्याल रखदा किन्ना ख्याल रखदा। दिया, आज तो तेनू बड़े काम ने, तू आज दे दिन दा एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकती। चल फटाफट उठ के तैयार हो जा ते अपनी ड्यूटियां पूरी करन ते लग जा।
दिया तू ते अपनी अखा ऐदा बंद कीतिया होईयां ने जिदा तू कोई भूत देख लिया होवे। नहीं सर जी ऐसा दी कोई गल नहीं है, मेरा मतलब है I'm sorry, मैनू पता ही नहीं लग्या मैं तोड़े उठे किद्दा डिग गई। रुको मैं उठ रही हूँ। सॉरी सर जी मैं उठ रही हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा बैलेंस ही नहीं बन रहा। दिया तू रहने दे। हैं? पर क्यों तुसी की चांदे हो कि मैं इद्दा ही रवा? और नहीं जस्ट वेट ले उठ गई ना। आई एम सॉरी सर जी मैं तुहानू देखा ही नहीं, जल्दबाजी विच अलार्म बंद करन दे चक्कर च ना मैं तुहाडे उठे ही डिग गई। पर तुसी जमीन ते क्यों सो रहे हो, तुसी सोफे ते सो जांदे ना। ओ मेरी बैग ते पेन सी, आई थॉट मैं जमीन ते सीधा लिटांगा तो हो सकदा स्ट्रेचिंग नाल मेरी बैग दा स्प्रेन निकल जाए। पर सर जी तुसी मैनू दस्सिया क्यों नहीं कि तुहाडी पिट च पेन हो रही है, मैं तुहानू अपनी जगह ते सोण लई कह दिंदी ना। नो दिया आई एम फाइन, और वैसे भी कदे कदे मैनू फ्लोर ते सोना पसंद है, ओदे नाल तुहाडी बैग स्ट्रोंग रहिंदी है। ओके पर दिया अज तू इनी सवेरे क्यों उठ गई, अज ता प्रैक्टिस लेट है ना, ता तू आराम नाल भी तोड़ सकती सी। सर जी तुसी भूल गए, अज तो मेरी नवीं ड्यूटी स्टार्ट हो रही ने, इसलिए सब तो पहला फटाफट उठ के मैनू क्या नू स्कूल ही रेडी करना पेगा, ते नाल ही मैनू बीजे दा ख्याल भी रखना पेगा, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी दे फर्स्ट डे ते लेट नहीं हो सकती। Please, I don't think so, सानू दिया नू बे मतलब ब्लेम करना चाहिए था। हो सकता है समायरा पापी ने प्रॉपरली चेक ना किता हुए। सब जानते हैं कि तू ही लॉकर च नेकलेस चेक करन गई सी, फिर हो सकता है ना तेरे तो ही लापरवाही हुई होवे। दूजियां दे बच्चे ना असि कुछ मिनटा लई संभाल सकते हैं, पर जो खुद दे हुंदे ना उदो पता लगता है। भाभी की होया तुसी अपना मेडिटेशन इन्नी जल्दी खत्म कर दिता, हजे तक सानू आया नू 15 मिनट भी नहीं होए। कुछ नहीं रा, अजकल लाइफ दे विच डिस्ट्रैक्शंस इन्नियां ज्यादा ने ना कि मेडिटेशन विच ना कंसंट्रेशन बन ही नहीं पा रही, इसलिए सोचा कि मैं अपने रूम च जाके रेस्ट कर लैनी हां, क्योंकि सब नू अरज ब्रो ते दिया जिन्नी इस घर विच इंपोर्टेंस मिलदी नहीं ना, इसलिए मेरे वर्गी नू ता स्ट्रगल करके अपनी इंपोर्टेंस बनानी पैंदी है ना। मायरा भाभी तुसी ये की कह रहे हो, तुसी सवेरे सवेरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं रा, होना की है, अजकल जिस तरह का घरदिया का मेरे नाल बिहेवियर चल रहा ना वो देख के तो यही लग रहा है कि इंसान चाहे जिन्ना मर्जी चंगा क्यों ना हो पर लोग उन्हें एप्रीशिएट करने की बजाय ना उन्हें फॉर ग्रांटेड ला लेंगे ने। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਦਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੋਰਮੈਟ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਰਾ ਭਾਬੀ दिया तू इत्थे खड़ी की कर रही है, तू तो क्यान नू स्कूल ही रेडी करा के मेरे नाल प्रैक्टिस से चलना सी ना, ते हजे तक तू क्यान नू जगा भी नहीं सकी। सर जी मैं नू बहुत देर दी जगान दी कोशिश कर रही हूं पर उठ ही नहीं रहा, मैं जिन्नी बार भी नू स्कूल जाने कह रही है ना वो बार बार यही कह रहे हैं कि
कि आज संडे आज स्कूल नहीं जाना, आज संडे आज स्कूल नहीं जाना। जो एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उन्हें सोन दे, तू मेरे प्रैक्टिस से चल। मैं क्या नू तैयार करके स्कूल नहीं भेजा तो मैं अपनी इस ड्यूटी दे शुरू होने तो पहला ही हार जावांगी। पुत्र तू क्या नू रेडी करके ते मेरा ख्याल रख के बहुत चंगा काम किया है, तू अपनी दोनों जिम्मेवारियां नू निभाया है, मेनू तेरे ते बड़ा मान है। दिया क्या नू रेडी करके ले आई, ओ वी ऑन टाइम, हाउ इज दिस पॉसिबल? दिया एक क्या ने नहीं जल्दी उठ के दा गया, दिया मेरे कहंदा ये मतलब सी कि मैं ना क्यानू उठाने की कोशिश कर रही सी ताकि तेरी हेल्प हो जाए, पर वो उठया ही नहीं, ये ना बार बार यही कह रहा सी मम्मा मैनू ना उठाओ मैं स्कूल नहीं जाना, ते अचानक एनू रेडी देख के ना मैं थोड़ी हैरान हो गई। भाभी वो मैनू भी बार बार यही कह रहा सी, एक्चुअली रात नू मोबाइल ते गेम खेलते खेलते ही सो गया सी, जब मैं रूम च गई ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੇਮਸ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਏਅਰਪੋਡਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕਿਆਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੱਸ ਨੇ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਟਸ ਓਕੇ ਹੀਰਾ, ਅੱਜ ਕਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੈਮ ਤਾਊ ਜੀ ਸਕੂਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੂਲ ਰਸਤੇ ਚ ਪਏਗਾ। जी बेटा श्योर, मैं जरूर आवांगी। थैंक यू। अरज दा बीतिया होया कल ही ओदे गुस्से दा कारण है, आज मैं तैनू ओदे पास्ट बारे सब कुछ दसा। दिया पुत्र अरज दा बीतिया होया कल बहुत वधिया नहीं सी, अरज घर दा वड्डा पुत्र होण करके माधवी ते कुलदीप दा बड़ा लाडला रहा है, ते माधवी दा हमेशा यही मकसद सी कि अरज दी जिंदगी च किसी भी चीज दी कमी ना होवे ते ओ हमेशा खुश रहे, पर इदा कदे हो सकदा है? मां प्यो भावें अरज दी जिंदगी पहला बड़ी सौखी सी ते कुछ साल पहला ओदी जिंदगी च इदा दा कुछ होया कि अरज पूरा ही बदल गया। पीजी कुछ साल पहला इदा दा की होया कि सरजी दी पूरी लाइफ ही बदल गई। दिया पुत्र क्यान बेटा तुसी मैनू क्यों लभ रहे सी, कोई काम सी? ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਚ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ,
मैं तुहानू इसलिए लभ रहा सी, कल मैं प्रोजेक्ट सबमिट करना, नहीं तो मेरी मैम मेनू बैड ग्रेड देंगे। तुसी चलो मेरे नाल। चलो 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 चलो। ठीक है ज्ञान पुत्र, तुसी जाके समान कर दो, ताई जी हुणे आके थोड़ी प्रोजेक्ट बनाने से हेल्प करेंगे। नहीं चैम ताई जी, तुसी हुणे चलो, बाच ज्ञान नू निन्नी भी करनी है। दिया पुत्र, ज्ञान हजे जिद कर रहा है, तू ए चली जा, असी फिर आराम नाल गल करांगे। ठीक है? ठीक है बीजी। दिया दी गल्लां सुन के ऐदां लगदा है कि अरज अपने बीते हुए कल तो बाहर नहीं निकल सकया, इस करके दिया दी जिंदगी ते माड़ा असर पै रहा है, इस करके अरज हर बार अपना गुस्सा ओदे ते कट दिंदा है। हे वाहिगुरु, साडे अरज ने अपनी जिंदगी च बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, दिया करके मैं ओदी अखां च खुशी दी उम्मीद देखी है। मैनू अरज नू देख के लगता है कि वो अपनी खुशी दिया दे बैडमिंटन करियर च लभदा है, इसलिए तुसी मेहर करो कि दोनों दे विचकार सब कुछ ठीक होवे। मैं ब्रेड ते ला देनी है। हाँ जी बीजी। स्पून में दे दो पुत्र। दिया, तू क्या ले ब्रेकफास्ट रेडी कर देता? क्या आंदा ना स्कूल दा टाइम हो गया? हाँ जी पापी, बस दो मिनट, मैं पहला बीजी नू दवाइयां दे लवां, फिर मैं क्या आंदा ब्रेकफास्ट भी लेके आ जावांगी। दिया पुत्र, तू फिकर ना कर, मैं दवाई आप ही ले लांगी, तू जाके देख क्यान तैयार होया कि नहीं स्कूल ले। जी बीजी। What the hell? तुसी एंड मोमेंट ते अपना डिसीजन चेंज किद्दां कर सकदे हो? असीं तुहाडे ऑर्डर दी एक्सपेक्टेशन करके ही अपने रॉ मटेरियल दा ऑर्डर दित्ता सी, देन तुसी प्रोजेक्ट वापस किद्दां ले सकदे हो? तुहाडे ए डिसीजन दे करके साडा करोड़ों दा नुकसान हो जाना है। हाँ हाँ, मैं समझ रहा, बट सारे इन्वेस्टर ने स्टेक विड्रॉ करने का डिसीजन नहीं लिता है। बाय द वे, साडे कोल अपनी भी फंडिंग हैगी, वी आर नॉट डिपेंडेंट टू एनीवन। असीं तुहाडी कंपनी लई इन्ने सालां तो काम कर रहे हैं, देन तुसीं मेरे ते ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? दिया पुत्र, जाके देखो क्या तैयार होया कि नहीं। Are you mad? देख के नहीं चल सकती? अगे तेरी करके साड़ी लाइफ से कट प्रॉब्लम नहीं है, जरा तू होर क्रिएट करने लगी हुई है। सॉरी इंद्रदीप जी। नाउ जस्ट गिव मी अ साइन। दिया पुत्र, तू अंगद की गल का बुरा ना मनी, उन्हें काम करके बहुत टेंशन च है, ते इसे करके उन्हें ये सब कुछ बोल दिता। मैं जानती हाँ तू इस परिवार के मैंबरों को खुश करने लिए बहुत मेहनत कर रही है, ते मैं यकीन है तू कामयाब भी होएगी, नाले वैसे भी औखा राह पार करके ना मंजिल तक पहुंचने का स्वाद वखरा ही होंगे। देखिया अंगद जी ने जरा सा गुस्सा होके दिया नु कुछ बोल के दिता, बीजे फटाफट उन्हें समझान चले गए। हले तो अंगद जी की गलती सी, किसी ने आज तक ये ता सोचा नहीं कि इस घर विच कोई होर काम ते करदा नहीं, सारा बिजनेस अंगद जी कल्ले देख रहे ने, ते जे स्ट्रेस आउट होके उन्होंने दिया नु कुछ कह दिता ते केड़ी वड्डी गल हो गई सी। ठीक है सर जी, तुसी ये वाले पोर्शन नु जोड़न की कोशिश करो, मैं बाकी का देखती हूँ। मेनू नहीं लगता कि हुन दिया उस प्रोजेक्ट नु ठीक कर सकूगी, एना टाइम हो गया हुन तक ठीक होना हुंदा ना प्रोजेक्ट का हो गया हुंदा। ओहो क्यान पुत्र, फिर होना शुरू? चंगे बच्चे रोंदे नहीं। देख चलो चुप करो, चुप करो, शाबाश। तेरे चैम पाया जी ने तेनू किया है ना कि जे तेरा प्रोजेक्ट ठीक नहीं होया तो तेनू आप स्कूल ड्रॉप करेंगे, ते नाले तेरी टीचर ना गल भी करेंगे। बस फिर तेनू फिक्र करन दी की लोड़ है? देखी तेरे चैम ताया ताई जी तेनू पनिश नहीं होन देंगे। चंगा
चल मुंह साफ कर, चल रोना बंद कर, शाबाश, गुड बाय। मैं जानती हूं ईरा, तू दिया नु बहुता पसंद नहीं कर दी, पर कटो कट ओदे बारे मंदा बोलन तो पहला क्यान बारे तो सोच। तू ओदे सामने दिया नु बार बार दोष क्यों दे रही है कि ओदे कोलो प्रोजेक्ट ठीक नहीं होना, पूरा नहीं होना। देख तुहानू चंगा लगे या ना लगे, तेनू ते सुमैरा नु दिया नाल ही रहना पैना, ते हुण तो ही आदत पा लो। वैसे भी ये निक्के निक्के गल्लां नु पिछे छड़ के ना अगे वधो। बीजी तुसी एदा किदा सोच सकदे हो, मेनू दिया तो भला की प्रॉब्लम हो सकती है, नाले जे तुसी ध्यान दिता होवे। हुण मैं ते दिया दुश्मन नहीं, बहुत चंगियां फ्रेंड्स आ, ते हुण साडे आपस विच ना बहुत चंगी बॉन्डिंग है। फिर तो तू अपनी फ्रेंड बारे चंगा सोच ते चंगा ही बोल, क्योंकि वो जो भी कर रही है ना तेरे पुत्र लिए कर रही है।